पता होगा कि छात्र का मतलब गुंडई का अड्डा है, एनार्किज्म का गढ़ है वो, यही एक बनाया गया होगा। क्योंकि मीडिया से लेके प्रशासन से लेके विश्वविद्यालय के हुक्मरान यही तय करते रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन का मतलब है एनार्किज्म का अड्डा। लेकिन आप देखिए कि आपके हिस्से के लिए, आपकी बात के लिए कौन खड़ा हो रहा है। आज 400% फीस बढ़ गया है, कोई प्रशासन का DSW बोलने आया? उस DSW में एक नाम है वेलफेयर का, दीन अधिशासक कल्याण। वो व्यक्ति क्या कल्याण करेगा? वो आपकी बाप की जेब की गहराई नाप रहा है। इसी तरह कोरोना काल में जब हॉस्टल की फीस बढ़ गई 66,000 रुपया, जब घर से अर्थियां उठ रही थी तब विश्वविद्यालय प्रशासन को पेनल्टी आपसे लेना था। मतलब इस तरह का इवल माइंड है उनका, इस तरह की सोच है कि घर से अर्थियां उठ रही हैं और यहाँ फरमान जा रहे हैं कि 60,000 ला के कुलपति महोदय के कदमों में बिछा दो। इस विश्वविद्यालय में ये कहा गया कि पैसा नहीं है, सेल्फ फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे हम। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में 500 CISF के जवान खड़े हैं बस्तर बंद गाड़ी और बंदूकों के साथ। 70,000-80,000 एवरेज पर उनकी तनख्वाह ले जाए तो प्रतिदिन का 3,00,000 रुपया ये कुलपति महोदय अपने सुरक्षा पे खर्चा करती हैं। कौन से जिले इलाही है भाई? कौन से जिले इलाही है? पैसा नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास। पैसा है इनके पास, पैसा है कि इनके मखमली पैरों के नीचे टाइल्स कजारिया की लग जाए। इनके पास पैसा है कि ये जब बैठे तो टॉप मॉडल गाड़ियों में बैठे। लेकिन इनके पास इतने पैसा नहीं है कि आपके हिस्से की फीस का सब्सिडी दे सके और आपकी बाप की गहराई, आपकी माँ की उम्मीदें, आपके भाई की आशाओं को ये नोचने का इसे काम करती हैं। फीस की बात नहीं है, संस्था सेल्फ फाइनेंस के लिए नहीं बनी है। और मैं कह रहा था कि यूनियन किस लिए जरूरी है, आप देखिए पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनके यहाँ एक IPS लाइन का अधिकारी होता है। आप सोच सकते हैं SP कितना बड़ा अधिकारी होता है, कितना बड़ा अधिकारी होता है SP? उसका भी एसोसिएशन है, ISPC एसोसिएशन है, ठेला ई रिक्शा यूनियन है, शिक्षक संघ है जो 2,00,000 की मोटी कभी जेब तनख्वाह लेते हैं, इतने निरीह प्राणी है। लेकिन छात्रों का यूनियन नहीं है। और उसको परसेप्शन कैसे क्रिएट किया गया आपके दिमाग में, नैरेटिव कैसे बढ़ाया गया कि अराजकता का अड्डा है? मैं बार बार यह कहता हूं कि अगर चीजें में कमी है तो उसको डिस्बैंड नहीं किया जा सकता है। अगर हाथ में गंदगी लग गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हाथ उखाड़ के फेंक दिया जाए। पैर में कांटे गड़ गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि पैर को उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन नहीं, अरे तक कह रहे कि कोर्ट से लेके DSW यहाँ पे कह दिया कि नहीं, यूनियन अराजकता का अड्डा है, बंद कर दिया जाएगा इसको। मैं कहता हूं कि MP MLA के चुनाव में तो ये लोग साक्षी हैं, मर्डर हो जाते हैं, कितनी गोलियां चलती हैं, अपहरण होते हैं। कितने बार MP MLA का चुनाव बंद हुआ देश में भाई? कितने बार बंद हुआ? कभी नहीं। अगर वो बंद नहीं हो सकता है अराजकता के नाम पे, तो हमारा क्यों बंद होता है? जानते हैं क्यों बंद होता है? क्योंकि जब आपके घर से अर्थियां उठ रही होंगी तो 60,000 की पेनल्टी लेनी है। जब आपके घर में कोरोना से इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस के कारण व्यवस्था खराब होगी तब आपकी बाप की जेब की गहराई नापनी है। जब आपके मकान के किराए और घर के खर्चा नहीं चलता होगा तब हॉस्टलों के नाम पर 44,000 की मोटी फीस लूटनी है। और किस लिए लूटनी है? इसलिए लूटनी है कि प्रॉक्टर महोदय साहब का चना का 14,00,000 का बिल आप दे सके, कुलपति महोदय की टॉप गाड़ी क्लास का टॉप क्लास गाड़ी की पैसा आप दे सके। ये व्यवस्था है। शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी तमाम के आपत्तियां आ रही हैं, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं है। 14,00,000 रुपए चला है, एक इंटीग्रेटेड वॉइस आपकी नहीं है, कोई एक मुस्तवार नहीं है, हम अलग अलग लड़ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि छात्र इसलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है छात्र संघ, इसको समझिए। और जो फीस वृद्धि का मामला है, अगर स्टूडेंट यूनियन होता है आज तो इतना जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ये कह तर्क दे रहे हैं कि इतने साल से रुका था, इतने साल से अगर रुका था, अगर नहीं पढ़ रहा है, महंगाई के साथ कोप करना है, अगर व्यवस्था कमी है तो तुम तो विश्वविद्यालय का छात्र जितना हिस्सेदार है उतने हिस्सेदार तो प्रॉक्टर और यहाँ का टीचर भी है ना। मैं कहता हूँ कि मेरे बाप की जेब की गहराई तुम नाप लिए। तुम अपनी अगर विश्वविद्यालय में पैसा कब है
तो कौन सा प्रोफेसर अपनी तनख्वाह से फीस कटवा देता, अपने तनख्वाह से पैसा कटवा के इसके भर रहा है।